हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए मिल्क केक की रेसिपी। बहुत ही आसान और स्वाद से भरी हुई रेसिपी है, तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। मिल्क केक बनाने के लिए सबसे पहले हम गैस ऑन करेंगे और उस पर एक पैन को चढ़ा देंगे। फ्लेम को हम एकदम लो रखेंगे। अब इसमें डालेंगे हम एक बॉल मिल्क पाउडर। आप अच्छे क्वालिटी का मिल्क पाउडर यूज़ करें, इसमें चीनी की मात्रा नहीं होती है। अब मिल्क पाउडर डालने के बाद हम इसमें डालेंगे एक गिलास गुनगुना पानी। आप जब भी मिल्क पाउडर में पानी डालें तो हल्का गर्म पानी ही डालें, ठंडा पानी डालने से मिल्क पाउडर में लम्प्स आने लगेंगे। अब बीटर की सहायता से अच्छे से हम इसे बीट कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे, ताकि इसमें कोई भी गुलटियाँ ना रहें। मैंने यहाँ पे 100 ग्राम मिल्क पाउडर लिया है। मिल्क पाउडर पानी में मिलने के बाद देखिए दूध जैसी कंसिस्टेंसी में हो जाएगी। आपको मीडियम फ्लेम करके इसे अच्छे से उबालना है और कंटिन्यू चलाते रहना है। जब दूध में एक उबाल आने लगेगा तब हम इसमें 50 ग्राम के करीब और मिल्क पाउडर ऐड कर देंगे और इसे भी हम बीटर की सहायता से चलाएंगे। मिल्क पाउडर और डालने के बाद थोड़ा सा ये ठीक होगा। हमें मीडियम फ्लेम पे 5 मिनट तक इसे लगातार चलाते रहना है, जब तक ये मावे की कंसिस्टेंसी में ना आ जाए। अब बीटर को रखकर हम इसे लैडल की सहायता से या छोलनी की सहायता से चलाएंगे। चारों तरफ से स्क्रैच करते हुए हम इसे चलाएंगे, क्योंकि हम इसे सुखाएंगे तो ये हो सकता है पैन में चिपकेगा भी, तो आपको कंटिन्यू इसे चलाते रहना है। देखिए धीरे धीरे दूध हमारा गाढ़ा होते जा रहा है और ये एक मावे की कंसिस्टेंसी में आ गया है। अभी पूरी तरीके से ये मावा नहीं बना है, हमें इसी तरीके की स्टेज पे इसे रखना है। और अब यहाँ पे मिल्क केक थोड़ा सा दानेदार होता है, तो उसके लिए मैंने आधे नींबू का रस गिलास में निचोड़ लिया है। जो हमने नींबू का रस लिया है उसमें हम पानी मिला देंगे, लगभग 2 बड़े चम्मच, और इस तरीके से हाथों से छिड़काव करेंगे मिक्सचर पे। पूरी तरीके से एक ही बार में नींबू के रस को नहीं उछल देंगे, इस तरीके से हाथों का छिड़काव करते हुए चलाएंगे। इससे हमारा जो मावा है वो फट भी जाएगा और साथ में दानादार भी हो जाएगा। एक ही साथ डाल देंगे तो हो सकता है इसमें बड़े बड़े गुलटियाँ बन जाएं और अच्छे से ये ना फटे, तो इसलिए हम इसका छींटा देते हुए इसे अच्छे से दूध को धीरे धीरे ही फाड़ेंगे। जैसे जैसे हम छिड़काव करेंगे इस पे नींबू के रस का, मिक्सचर अपने आप ही दानेदार होते जाएगा। आप देख भी सकते हैं धीरे धीरे ये दानेदार हो भी रहा है। अब इसे हम कंटिन्यू चलाते रहेंगे, तो धीरे धीरे करके जितना भी मैंने नींबू के रस में पानी मिलाया था सारे को छींटा दे दे कर इसमें डाल दिया है। पर यहाँ पे हमारा अभी काम ख़त्म नहीं हुआ है, हमें इसे और भी चलाना है। देखिए धीरे धीरे ये मिक्सचर सूख रहा है और दानेदार भी होता जा रहा है, पानी की मात्रा भी इसमें कम होती जा रही है। अब हम इसमें डालेंगे चीनी, तो मैंने यहाँ पे 3 बड़े चम्मच चीनी इसमें डाले हैं। मेरे मिल्क पाउडर में चीनी नहीं है इसलिए मैं इसमें ज़्यादा चीनी यूज़ कर रही हूँ। अगर आपका चीनी वाला मिल्क पाउडर है तो आप कम यूज़ कर सकते हैं। चीनी डालने के बाद ये मिक्सचर थोड़ा सा पतला होगा, क्योंकि चीनी भी पानी को रिलीज़ करेगी, तो आपको इसे चीनी डालने के बाद भी अच्छे से मीडियम फ्लेम पे चलाते रहना है और पूरी तरह से इसे सुखाना है। अब हम इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच देसी घी। आप कोई भी घी का यूज़ कर सकते हैं। घी डालने से इसमें जो टेक्स्चर आएगा वो एकदम रिच होगा, क्रीमी होगा, तो आप इसमें घी ज़रूर डालें। देखिए चीनी और घी डालने के बाद थोड़ा सा मॉइस्चर छोड़ा है, तो ये हमारा मिक्सचर थोड़ा पतला हो गया है। तो अब इसे मीडियम फ्लेम पे हम 5-6 मिनट तक और पकाएंगे, जब तक इसका कलर हल्का चेंज नहीं हो जाता। मिल्क केक है तो उसका कलर हल्का ब्राउनिश होता है, इसके लिए हमें इसे अच्छे से चलाते रहना है जब तक कि इसका कलर उजला से हल्का सा ब्राउनिश ना हो जाए। तो जैसे जैसे आप इसे चलाओगे ये और भी ज़्यादा दानेदार होगा, सूखता जाएगा और एकदम खोआ के जैसा बनता जाएगा। देखिए इसका कलर भी धीरे धीरे ब्राउन होते जा रहा है, तो इसे थोड़ा सा हमें और चलाना है। तो आप देख सकते हैं कि 5 मिनट के बाद कितना अच्छा कलर आ गया है हमारे मिल्क केक में, एकदम ब्राउन हो गया है। बस इसे आप कंटिन्यू चलाते रहिए, नीचे से जलने नहीं दीजिए, ये अपने आप ही कलर चेंज हो जाएगा इसका। और एक खोए की कंसिस्टेंसी में भी ये आ गई है, इसका सारा पानी सूख चुका है,
बस ऐसे ही स्टेज पे आपको इसे करना है। अब कुछ नहीं करना है, कलर भी चेंज हो गया एकदम लग रहा मिल्क केक की तरह। तो अब हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे सेट करने की तैयारी करेंगे। तो मैं इसे एक प्लेट में सेट करूंगी, तो जिस प्लेट में भी आप या फिर कोई बर्तन में आप इसे सेट करना चाहते हैं उसमें आप अच्छे से घी लगा दीजिए, घी से ग्रीस कर दीजिए अच्छे से ताकि ये नीचे में चिपके ना। अब इस पे एक एक करके हम ये मिक्सचर को रखेंगे। तो आप अपने अकॉर्डिंग मोटा या पतला लेयर रख सकते हैं, ज़्यादा बेहतर होगा कि आप इसका मोटा लेयर ही रखें। तो मैंने इस तरीके से इस पे मिक्सचर रख दिया है और छोलनी की सहायता से इसे सेट भी कर दिया है, देख सकते हैं आप। अब हमें इसे एक घंटे के लिए फ्रीज में रख देना है ताकि ये अच्छे से जम जाए और सेट हो जाए। अगर आप बाहर इसे रखते हैं तो आप 2 घंटे के लिए इसे रखें। तो 1 घंटे हो गए हैं, अब हम गैस को ऑन करेंगे और फ्लेम को लो कर देंगे और जो मिक्सचर हम निकाले हैं फ्रीज से उसे इस तरीके से गैस पे चारों तरफ से घुमाएंगे ताकि जो हमने घी लगाया नीचे से वो अच्छे से पिघल जाए और मिक्सचर प्लेट को छोड़ दे। तो बस चारों तरफ से चलाना है इसे, बहुत देर तक गैस पे नहीं रखना है, चारों तरफ से चला के गैस से हटा देंगे। अब इस मिक्सचर को आप देखिए हाथ से भी हिलाइएगा तो ये अच्छी तरीके से हिल रहा है, देखिए पूरी तरीके से छोड़ दिया नीचे से बेस इसने और ये आसानी से हमारा निकल भी गया है, जम भी गया बहुत अच्छे से। अब हम इसे बाहर रखेंगे प्लेट के, आप चाहो तो इसे प्लेट में भी कट कर सकते हो। और अब इसकी हम कटिंग लगाएंगे, तो मैं इसे रेक्टेंगल शेप में कट करूंगी। तो हमने इसे लंबा लंबा काट लिया है, अब बीच से भी एक बार कट कर देंगे तो ये हमारा पूरी तरीके से मिल्क केक कट हो जाएगा। लग रहा है ना एकदम बाजार जैसा दानेदार मिल्क केक देखने में। अब हम सारे मिल्क केक को प्लेट में एक एक करके रख देंगे, देखिए कितना अच्छा लग रहा है ये देखने में। और इसके ऊपर से हम रखेंगे ड्राई फ्रूट्स, मैंने यहाँ पे चॉप किया हुआ काजू पिस्ता और बादाम लिया है, थोड़ा थोड़ा आप सभी पे रखेंगे। और फिर इस पे से एक एक पिस्ता से हम इस पे डेकोरेट करेंगे, आप इसे जितना डेकोरेट करेंगे और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा देखने में और एकदम मार्केट जैसा मिल्क केक की तरह लगेगा। या फिर आप बिना डेकोरेट किए भी इसे खा सकते हैं, मतलब तो टेस्ट से है ना। तो यहाँ पर हमारा टेस्टी मिल्क केक बन के तैयार है एकदम, देखिए चारों तरफ से कितना अच्छा इसका टेक्सचर आया है दानेदार और कलर भी काफ़ी अच्छा आया है। तो ट्राई करने वाली रेसिपी है इस रक्षाबंधन, आप ज़रूर ट्राई करें, कोई मेहनत भी नहीं है। आई होप आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपके साथ मिलती हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।